क्या पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास आता है फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर आप a प्लस बी की पावर n में है और आप pth टर्म फ्रॉम एंड देख रहे हैं, तो अक्सर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फ्रॉम एंड अगर हम देख रहे हैं तो पूरा का पूरा p माइनस कर देंगे, तो वो जो pth टर्म है वो भी बेचारी एलिमिनेशन में चली जाएगी। तो इन ऑर्डर टू लैंड ऑन द pth टर्म वी नीड टू सब्ट्रैक्ट वन लेस, तो फ्रॉम टोटल ऑब्जर्वेशन we need to subtract one less, that gives us the wings ki hum n minus p plus 2th from starting is considered pth from n. So a ki to minus karna hai, do kahan se aa gaya, wo n bhi to n plus 1 terms la raha hai na, ek extra kahan se la raha hai, aur p mein se ek kam extra kam ho raha hai, to usse do ka impact aa raha hai. Albatta हमारे पहले के लेक्चर्स में ये बात क्लियर हो रखी है कि पहला टर्म और आखिरी टर्म का कोएफिशिएंट सेम होगा 1:1, सेकंड टर्म का और सेकंड लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट सेम होगा n, ठीक है, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट सेम होगा, अब ये फिफ्थ फ्रॉम स्टार्टिंग और फिफ्थ फ्रॉम एंड का भी कोएफिशिएंट सेम होगा, लेकिन येट हमें देखना होगा इन दोनों का सम टोटल देगा तो सेम होगा, आर प्लस वन अगर फाइव है तो आर फोर है, तो एन C4 पहला टर्म विच इज फोर्थ रूट ऑफ टू रेस्ट टू पावर इनका गैप इंटू दूसरा टर्म नीचे वाला पूरा हो, और अगर फिफ्थ फ्रॉम n है तो वो n माइनस पी प्लस टू, क्योंकि फ्रॉम स्टार्टिंग यहाँ पे p की जगह हम फाइव डालेंगे तो n माइनस थर्ड फ्रॉम स्टार्टिंग होगा, तो टेक्निकली अगर r प्लस वन n माइनस थ्री है तो सिर्फ r n माइनस फोर जाएगा, तो n c n माइनस फोर इंटू फोर्थ रूट ऑफ टू रेस्ट टू पावर इज डिफरेंस इंटू वन वन फोर्थ रूट ऑफ थ्री रेस्ट टू पावर नीचे वाला तो ये तो सेम है, फोर्थ रूट ऑफ टू कैन प्राउडली बी रिटन एज टू रेस्ट टू पावर वन बाय फोर, फोर्थ रूट ऑफ थ्री कैन प्राउडली बी रिटन एज फोर्थ रूट ऑफ टू कैन प्राउडली बी रिटन एज एंड फोर्थ रूट ऑफ थ्री कैन प्राउडली बी रिटन एज, रूट ऑफ सिक्स कैन बी रिटन एज वन बाय फोर इंटू फोर, तो फोर फोर कैंसिल, तो यहां पे हमारे पास टू रेस्ट टू पावर एन माइनस फोर अपॉन फोर, एंड आदित्य द वे यू जस्ट सेड कि हमारी मदद भी करेगा ऐसे लिखा हुआ, ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट सवाल था, आई अप्रिशिएट दैट, क्योंकि कई बच्चों के लिए ऐसा होता है आदित्य कि सामने दादा जो लिख रहे होते हैं वो उनके लिए पत्थर की लकीर हो जाती है, हाँ जी कहते, तो ऐसे स्टूडेंट हो जो चैलेंज करते हो कि आप जो लिख रहे हो इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते होते लिखने के, आप लिखने में स्पेशलिटी है, मतलब कि तुम ऑन द स्पॉट होल थिंकिंग करते हो। मेरा बड़ा मन था कि मैं उन्नति के बर्थडे पे तुम्हें एक ऐसा सिर्फ इस चीज के लिए अवार्ड दूं, क्योंकि तुम जितनी इंटेंसिटी से मेरी बात सुनते हो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मेरे को विवाद से बचना था, ठीक है, तो इसलिए जब तुम लेके आओगे तो तब दो लेंगे, ठीक है, तो अपॉन थ्री अपॉन टू अपॉन थ्री रेशियो एन माइनस फोर अपॉन इज इक्वल टू सिक्स की पावर हाफ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है और ये समझ हो जाता है, तो हैविंग सेड दैट यहाँ पे सिक्स की पावर एन माइनस फोर अपॉन फोर हो गया अपॉन सिक्स हो गया इज इक्वल टू सिक्स की पावर हाफ, सिक्स की पावर एन माइनस फोर अपॉन फोर इज इक्वल टू सिक्स की पावर थ्री बाय टू,
ये पूरी वैल्यू के बराबर है, बेस बेस के बराबर है। इस इक्वालिटी की इज्जत सिर्फ और सिर्फ उस पर रखी जा सकती है जब पावर्स भी बराबर हो। टू वन जा टू टू जा एन माइनस फोर इज इक्वल टू सिक्स। थैंक यू सो मच।